नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की ने एक बार फिर से वही गलती दोहरा दी है जो उसने 2015 में दोहराई थी। लेकिन तब उसे बचाने के लिए अमेरिका, यूरोप था, नेटो था, लेकिन अब उसे कौन बचाएगा? अब तो तुर्की खुले में है और उसने रूस के लड़ाकू विमान 2 गिरा दिए हैं। जी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें बताया गया है कि 2 लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं। और हालांकि कई लोग पूछ रहे थे कि ये तो सीरिया के गिराए हैं, तो आपको बता दूं कि इस समय सीरिया की कोई भी, एक तो एयरफोर्स इतनी ढंग की नहीं है, 2-4 उनके पास एयरक्राफ्ट ही हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी रूस पर है, रूस ही उनके एयर स्पेस को कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। और इस समय जितने भी एयर स्ट्राइक वहाँ पर कंडक्ट की जा रही है सीरिया की सेना की तरफ से, वो कवर सीरिया की सेना का है, मतलब कि नाम, लेकिन सब करता है रूस, रूस की एयरफोर्स। और रूस की एयरफोर्स ने ही, अभी जिन्हें नहीं पता बता दूं कि 3 दिन पहले तुर्की के एक स्ट्राइक में तुर्की के करीबन 30 से 40 सैनिकों को मार दिया है, 50 भी कई लोग बताने की संख्या जिसमें मारा गया है। तो उसी के प्रतिफल में क्या किया कि बदलाव, रेचप तैयब एर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन पर प्रेशर बन रहा था कि जी कुछ भी करें, हमारा बदला लें। और इसका बदला उन्होंने कैसे लिया, ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कौन सी मिसाइल से और कौन सी फाइटर जेट से उन्होंने इसे गिराया, क्या S-400 से उन्होंने गिराया इन रूसी 2 फाइटर जेट को, ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पर जो मतलब कि टॉपिक्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो हमारी जैसे कि हिंदी मीडिया है, जो इंग्लिश मीडिया, उसमें कवर नहीं होता, वो इस चैनल पर आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो मिलते हैं, पर डे 2 वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, जो खबरें आई हैं उन खबरों के अनुसार, फिलहाल पहले आप एक आर्टिकल देख लीजिए। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो रूस के मेन कमांडर हैं जो सीरिया में तैनात हैं इस समय, उनका कहना है कि अब हमारी, जब से उन्होंने हमारे 2 फाइटर जेट गिराए हैं, अब हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, हम किसी भी तुर्की फाइटर जेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अगर वो हमारे यहाँ पर सीमा में घुसेंगे सीरिया में, तो वापस कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अब S-400 पूरे फुल मोड एक्टिव में उन्होंने तैनात कर दिए। जी हाँ, और ये S-400 मतलब कि तुर्की के जितने फाइटर जेट हैं उनको सारों को धराशायी कर सकती है, उनके पास कोई फाइटर जेट ऐसा नहीं है जो S-400 की सिक्योरिटी को ब्रीच कर सके। जी हाँ, तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि अब रूस इसका कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि रूस की तरफ से रिस्पॉन्स तो 100% आना निश्चित, आप मानकर चलिए कि रूस इसका रिस्पॉन्ड जरूर देगा, क्योंकि अब उसकी रूस की इज्जत का सवाल है, रूस के हथियारों की इज्जत का सवाल है, खासकर S-400 जो उसका प्रीमियम हथियार है। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जब S-400 वहां पर तैनात है तो वहां पर वो घुस कैसे गया। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जब सीरिया में S-400 तैनात है तो तुर्की के फाइटर जेट घुस कैसे गए। तो दोस्तों, जो उन्होंने फाइटर जेट गिराए हैं वो इदबिल प्रांत में के आसपास गिराए हैं, जहां पर अभी S-400 एक्टिव नहीं है, अब एक्टिव कर दी गई, उसकी रेंज बढ़ा दी गई है, तो वो पूरा क्षेत्र अब उसके अंदर आ गया है। और कहा जा रहा है कि सीरिया ने जो वो मतलब कि जो रूस के साथ मिलकर जो उसकी वायु, जो पूरी वायु सीमा है उसे सीज कर दिया पूरी तरीके से, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, और पूरा प्रोटेक्शन के अंदर है रशियन S-400 ट्रायम्फ के। और जिसे नहीं पता, रशियन S-400 इस समय आज की तारीख में दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, जिसे ब्रीच कर पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। सिर्फ F-22 कहा जाता है या F-35 2 फाइटर जेट है जो इसकी मतलब कि सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं। हालांकि वो भी कई बार कर सकते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन तुर्की की दुर्भाग्य, उन्होंने ठीक 6 महीने पहले ही F-35 प्रोग्राम से वो निकल गए थे S-400 खरीदने के लिए। लेकिन चलिए पहले बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर। तो तुर्की के राष्ट्रपति ने जो गलती करी है इसकी मतलब कि आप सोच सकते हैं कि फल तो उन्हें जरूर मिलेगा। कई लोग कह रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर भी अंत हो गया है, तो उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। तो मिसकोन किससे गिराया गया है, तो F-16 कहा जा रहा है कि 2015 में उन्होंने F-16 की स्ट्रिंगर मिसाइल से रूस का SU-24 गिराया था, और अब भी यही कहा जा रहा है कि जो SU-24 गिराया गया है, 2 फाइटर जेट, ये F-16 से फायर किए गए स्ट्रिंगर मिसाइल थी। और अभी तक हालांकि कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि स्ट्रिंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और S-24 को गिराया गया है। और इसको लेकर अभी रूस में चर्चाओं का दौर जारी है कि कैसे इसका रिस्पॉन्ड किया जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, रूस की इज्जत का सवाल है कि इसका बदला जरूर लेगा। 2015 में तो जब उन्होंने फाइटर जेट गिराया था, तब तो तुर्की को बचा लिया था अमेरिका ने, नाटो ने, यूरोपियन देशों ने बात कर ली थी रूस से कि चलिए छोड़िए, हम समझौता करवा देते हैं। लेकिन आज की तारीख में तो तुर्की की हालत ऐसी है, तुर्की खुले में खड़ा है, रूस उसके साथ कुछ कर सकता है, जो मर्जी आए। और रूस ने जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 अपने शिप्स भी भेज दिए थे सीरिया के लिए, सीरिया के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर बताया था। अब खबर यह है कि उन जो शिप्स में सुपर क्रूज मिसाइल भी तैनात है। जी हाँ, सुपर क्रूज मिसाइलों से तैनात में शिप्स हैं, और वे तुर्की की बैंड बजा सकते हैं, क्योंकि तुर्की की
मतलब कि सिक्योरिटी ऐसी नहीं है कि जिसे ब्रीच कर पाना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो, वो बड़ी आसानी से उसे ब्रीच करके तुर्की को बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, दो ही डिस्ट्रॉय। उसके बाद तो पूरी की पूरी नौसेना है रूस की जो बहुत ही भारी भरकम है, और तुर्की की प्रोटेक्शन के लिए जो वहां पर अमेरिकी बेस था उसे भी शिफ्ट कर दिया गया है टू ग्रीस, क्योंकि आप जानते हैं कि तुर्की में और अमेरिका में कुछ आपस में मतलब कि अनबन थी S-400 को लेकर। लेकिन तुर्की आज खुले में है और इसका बदला लिया जाएगा, जरूर लेगा रूस, क्योंकि वहां पर चर्चाओं का दौर जारी है कि कैसे इसके एक तरीके से काउंटर किया जाए तुर्की को। और आने वाले समय में इसमें बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने वीडियो नहीं डाली, मैं पर डे 2 वीडियो डाल रहा हूँ और एक भी वीडियो मिस नहीं करता, कभी कभी तो 3 भी डाल देता हूँ, तो जैसे न्यूज़ आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो मिस नहीं होगी आपसे, तो साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली इसकी अपडेट कल भी इस पर अपडेट मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर मेजर ऑपरेशन जारी हैं। जी हाँ, तुर्की ने अभी तक ऑपरेशन नहीं होल्ट किए हैं, ऑपरेशन जारी है जो सीरियन फोर्सेज पर और जो सीरियन बैक्ड फोर्सेज हैं उन पर भी तुर्की लगातार ऑपरेशन कर रहा है। तो अब ये जिम्मेदारी है रूस की, क्योंकि रूस की जिम्मेदारी है सारी सीरिया की सिक्योरिटी की, सीरिया की फोर्सेज की सिक्योरिटी की, तो वो इसे कैसे रिस्पोंड करता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, सपोर्ट करते रहे, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।